हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया है, तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपको GSTR 1 फाइल करना है तो वो आप कैसे कर पाओगे। तो पहले तो जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि आपको जो भी GST की वेबसाइट है उसके ऊपर जाना है, जो है GST.gov.in। ओके, यहाँ पे आपको पहले तो लॉग इन करना है। ओके, जैसे आप लॉग इन करोगे तो लॉग इन के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा और एक जो कैप्चा कोड होगा वो आपको एंटर करना है और लॉग इन करना है। वैसे हमने यहाँ पे कुछ डिटेल हाइड कर दी है तो आपको दिखाई नहीं देगी, अदरवाइज यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा GST में रजिस्टर्ड वो नाम दिखाई देगा और आपका जो भी GST नंबर होगा वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और कुछ डिटेल आपको दी जाएगी कि आपने कौन से मंथ का रिटर्न फाइल किया हुआ है और कौन सा रिटर्न बाकी है वगैरह। ओके, आपको सिंपली रिटर्न डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, कौन सा क्वार्टर है और कौन से पीरियड के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, वो चूज करना पड़ेगा। देन सर्च पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको तीन ऑप्शन नजर आएंगे, जो होगा GSTR 1 के लिए, देन GSTR 2A के लिए और GSTR 2B के लिए। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि GSTR 2A में कौन सा डेटा रिफ्लेक्ट होता है। तो उसके लिए आपको सिंपली GSTR 2A का जो दूसरा ऑप्शन है वहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। देन कुछ डिटेल है वो अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आपका GSTR नंबर है, आपका जो नेम है, ट्रेड नेम है वगैरह। ओके, देन B2B इनवॉइस मीन्स आपने किसी GST रजिस्टर्ड पर्सन से अपना इनवॉइस लिया है तो आपको B2B इनवॉइस में वो डिटेल नजर आएगी, क्योंकि आप भी खुद GST में रजिस्टर हो। वैसे आपने क्रेडिट नोट ली होगी, डेबिट नोट ली होगी या फिर कोई B2B इनवॉइस है उसमें कुछ चेंजेस वगैरह रिवाइज किया है तो वो सारी डिटेल मीन्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मीन्स आपकी परचेस से या फिर आपने जो सर्विस ली है उससे जुड़े हुई जो भी मीन्स बिल होगी या फिर इनवॉइस होगी उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जहाँ तक बात है GSTR 1 की, तो वहाँ पे आपको आपका गुड्स या सर्विस का आउटवर्ड सप्लाई उसकी डिटेल देनी है। नीचे आपको ड्यू डेट नजर आएगी, वो ड्यू डेट में आपको GSTR 1 सबमिट करना है और फाइल करना है। तो सिंपली आपको GSTR 1 में जो प्रिपेयर ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो GSTR 1 के पूरे जो टेबल है वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो टेबल 4 है, 5 है, 9 है, देन 6 है। ओके, और उसमें भी कुछ कैटेगरी है, टेबल 8 है, 7 है, 11 है, 12 है, 13 है। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर हमारा B2B सप्लाई है, B2B इनवॉइसेस हमारे पास रेज हुए हैं तो उसकी डिटेल आपको टेबल 4A, B, C, 6B और 6C में देनी पड़ेगी। ओके, तो मींस सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो आपका जो भी आउटवर्ड सप्लाई है उसकी डिटेल आपको B2B में देनी है। और B2B इसलिए क्योंकि आप ये जो इनवॉइस रेज करोगे वो सामने वाला भी GST रजिस्टर्ड है, मीन रजिस्टर टू रजिस्टर्ड अगर सप्लाई हुआ है तो वो वाले केस में B2B वाला जो डिटेल है उसमें आपको डेटा फिट करना है। चलिए कैसे इसमें डेटा फिट करेंगे, तो सिंपली आपको ये जो टेबल है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको B2B इनवॉइस का डेटा फिट करने के लिए कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे एड डिटेल वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जहाँ तक बात है सेज की, तो उसे बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो वो हो सकता है कि इंडिया में ही फॉल करता है लेकिन दैट पर्टिकुलर एरिया को ऐसे कंसिडर किया जाएगा जैसे वो इंडियन टेरिटरी नहीं है और वहाँ पे सप्लाई होने पे वो एक तरह का एक्सपोर्ट ही होता है, वैसे कंसिडर किया जाता है। तो अगर सेज में आपने सप्लाई किया है और विथ पेमेंट सप्लाई किया है तो वो आपको बताना पड़ेगा, और विदाउट पेमेंट होगा तो वो आपको बताना पड़ेगा। वैसे हमने रजिस्ट्रेशन के वक्त ही ये बता दिया था कि हमारा कोई एक्सपोर्ट नहीं होने वाला तो वो डिसेबल हो गया, अदरवाइज आपको एप्लीकेबल होगा तो वो एनेबल बताया जाएगा। देन सप्लाई एट्रैक्ट रिवर्स चार्ज मींस अगर आपने कोई सप्लाई अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ली है या कुछ नोटिफाइड गुड्स या सर्विस आपने रिसीव किए हैं तो वो वाले केस में आपको रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा, मींस टैक्स की जो लायबिलिटी होगी वो रिसिपिएंट की बनती है रिवर्स चार्ज में। मींस जिन्होंने आपको सप्लाई किया है वो टैक्स पे नहीं करेंगे लेकिन आपको ही बिल रेज करना पड़ेगा और आपको ही टैक्स
गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। ओके, तो वो वाले केस में उसे सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज वाला जो ऑप्शन है वो चेकबॉक्स आपको क्लिक करना पड़ेगा। ऐसे कई प्रोविजन है जिसमें एक ही स्टेट में सप्लाई की जा रही है फिर भी वहां पे आईजीएसटी जैसे इंटर स्टेट सप्लाई होता है वैसे वो एप्लीकेबल होता है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है उसे क्लिक करना है, अदरवाइज उसे छोड़ना है। जिसको भी आपने सप्लाई किया है उसका जीएसटीआईएन नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा या फिर यूआईएन डालना पड़ेगा। यूआईएन नंबर बेसिकली जो भी एम्बेसीज होती है उनको प्रोवाइड किया जाता है और कुछ कैटेगरी होती है जिनको भी यूआईएन प्रोवाइड किया जाता है। तो जिसको भी आपने सप्लाई किया है उसका जीएसटी नंबर डालना है, रिसीवर का जो नेम होगा वो अपने आप पॉपुलेट हो जाएगा, इनवॉइस नंबर आपको डालना है, जो भी इनवॉइस नंबर आपने दिया है वो डालना है, देन डेट डालनी है इनवॉइस की, प्लेस ऑफ सप्लाई आपको बताना है कि क्या वो आप जिस स्टेट में हो वही स्टेट से बिलोंग करता है या कुछ और स्टेट है, तो वो यहाँ से मीन्स ड्रॉप डाउन मेनू है वहाँ से आपको सारे स्टेट मिल जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको सप्लाई टाइप भी मिल जाएगी कि वो इंटर स्टेट बन रहा है या फिर इंट्रा स्टेट बन रहा है। चलिए, टोटल इनवॉइस वैल्यू में आपको जीएसटी के साथ वो जो भी इनवॉइस बना है उसकी जीएसटी के साथ टोटल वैल्यू कितनी होती है वो डालनी है। जैसे आप नीचे स्क्रोल डाउन करोगे तो स्क्रोल डाउन करने पे आपको डिफरेंट रेट मिलेंगे और जो भी रेट ये इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल है वो रेट की जो भी टैक्सेबल वैल्यू है वो डालनी है। तो 5%, 12% और 28% के हिसाब से जो भी टैक्सेबल वैल्यू बनती है वो टोटल वैल्यू डालनी है और जो भी टैक्स है वो आपको बताना है। सिंपली नीचे स्क्रोल डाउन करोगे और ये जो डेटा है इसको आप सेव करोगे तो ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। अभी आपने दूसरा कोई इनवॉइस रेज कर रखा है तो उसकी भी डिटेल आपको ऐड डिटेल करके जैसे ये डेटा अभी बताया वैसे उसको भी बताना पड़ेगा। चलिए, सिंपली वैसे आप B2B का जो डेटा है वो फीड करोगे। B2C लार्ज इनवॉइस किन के लिए होता है? जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हो और वो आपका जो स्टेट है उससे बाहर के स्टेट वाले किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई करते हो, मीन्स इंटर स्टेट सप्लाई होती है लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा, उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको B2C लार्ज वाला जो टेबल है 5A उसके अंदर डिटेल देनी है। फिर से मैं एक बार बोलता हूँ, 2.5 लाख से ज्यादा बिल होना चाहिए और आप जिसे सप्लाई करते हो वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो आपके स्टेट से कहीं बाहर है, मीन्स दूसरे स्टेट में बिलोंग करता है, तो वो वाले केस में आपको 5A का टेबल है वो बताना है। जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको ऐड डिटेल का ऑप्शन मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर डिफरेंस परसेंटेज से कोई टैक्स आपको एप्लीकेबल है तो वो चेक करना है, अदरवाइज ज्यादातर केस में वो एप्लीकेबल नहीं होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई आपको बताना है, आपके स्टेट को छोड़ के सारे स्टेट यहाँ पे आप चूज कर पाओगे। ओके, देन आपने इनवॉइस बनाया है तो इनवॉइस का नंबर डालना है, इनवॉइस की डेट डालनी है और टोटल इनवॉइस वैल्यू। टोटल इनवॉइस वैल्यू मीन्स जो भी इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू है प्लस जीएसटी की जो वैल्यू है उसको जोड़ के जो टोटल इनवॉइस वैल्यू है यहाँ पे आपको डालनी है, और हर एक स्टेट के लिए आपने सप्लाई किया है तो एग्रीगेट वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ेगी। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो जैसे आपने जो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो डेटा लाना था वैसे यहाँ पे डालना है कि कितना आपका 5% है, 12% है, 18, 28 जो भी एप्लीकेबल है, और आईजीएसटी की अमाउंट यहाँ पे डाली जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटर स्टेट हो रहा है तो यहाँ पे आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। सिंपली डेटा को यहाँ पे आप सेव करोगे तो B2C लार्ज वाला जो इनवॉइस है वो डेटा भी आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। चलिए, देन क्रेडिट नोट डेबिट नोट आपने रेज की है और वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को आपने रेज की है। क्रेडिट नोट कब होती है? जब भी आपका जो मीन्स आपने सेल की हुई जो चीज है, गुड्स वगैरह है, वो वापस आए हैं, तो वो वाले केस में आप क्रेडिट नोट रेज करते हो उनको। दूसरे केस में क्या होगा कि अगर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा थी लेकिन आपने कम बताई थी और उसमें कुछ अपडेट हुआ है, तो वो वाले केस में कुछ पैसे आपके लेने बनते हैं आपने जिनको सप्लाई किया उनसे, तो उनको डेबिट नोट रेज की जाएंगे। चलिए, इसमें क्या करेंगे, आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां पे भी आपको ऐड डिटेल का ऑप्शन मिलेगा और जैसे आपने इनवॉइस का डेटा डाला था वैसे ही क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का डेटा डालना है। सिंपली यहाँ पे जीएसटीआईएन नंबर डालना है और जहाँ पे इनवॉइस नंबर था वहां पे आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का जो नंबर होगा वो डालना है। देन क्या डेट है वो बतानी है, क्या वो क्रेडिट नोट है क्या वो डेबिट नोट है वो बताना है ड्रॉप डाउन मेनू से। देन उसकी वैल्यू कितनी है तो नोट की वैल्यू बतानी है। देन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है वो आपको बताना है।
चलिए, देन सिंपली जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका क्रेडिट नोट या डेबिट नोट का जो डेटा है वो भी, मीन्स आपने जैसे इनवॉइस फिल किया था वैसे ही वही वो डेटा डालना पड़ेगा। चलिए, क्रेडिट नोट डेबिट नोट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, डिटेल पे क्लिक करना है, और जैसे आपने रजिस्टर्ड के लिए डिटेल डाली थी वैसे ही अनरजिस्टर्ड के लिए डिटेल डालनी है। यहाँ पे जो डिटेल आप बताओगे वो B2C लार्ज के लिए, मीन्स आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया है और 2.5 लाख से ज़्यादा वैल्यू है तो वो वाले केस में आप वो डेबिट नोट यहाँ पे आप बताओगे। चलिए, इंटरस्टेट अपने आप ही उसने ऑटो पॉपुलेट कर लिया है, तो जो भी मीन्स रेट के हिसाब से डिटेल है, टैक्सेबल वैल्यू है, वो डालनी है, और उसके सामने जो IGST बनता है वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। डेटा को सेव करना है। चलिए, अभी दूसरा एक टेबल है, वो है टेबल 6A जो होता है एक्सपोर्ट के लिए। ओके, इसके अंदर आपको ऐड डिटेल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां पे एक्सपोर्ट से रिलेटेड इनवॉइस नंबर आपको डालना पड़ेगा, इनवॉइस डेट डालनी पड़ेगी, देन एक्सपोर्ट किया है तो वहां पे पॉर्ट कोड होगा आपके पास। ओके, वो पॉर्ट कोड डालना है, देन बिल ऑफ एक्सपोर्ट नंबर है या फिर शिपिंग बिल नंबर है वो डालना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देन जैसे आपने आगे इनवॉइस वैल्यू डाली थी वैसे ही यहाँ पे टोटल इनवॉइस वैल्यू डालनी है। सप्लाई टाइप इंटरेस्टेड रहेगा क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। GST का जो पेमेंट है उसके लिए आपको डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि विदाउट GST और विद GST आप डिटेल दे रहे हो तो वो आपको चूज करना पड़ेगा। देन जो भी सप्लाई किया है उसकी टैक्सेबल वैल्यू रेट के हिसाब से आपको डालनी है और IGST उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। डेटा को सेव करेंगे तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब जैसे कि कुछ डिटेल डाली है लेकिन हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों में आपने कोई रिटर्न फाइल किया होगा, GSTR1 अगर फाइल किया है पिछले महीने में, और पिछले महीने में वो डिटेल फाइल करते वक्त कुछ गलतियां हो गई तो वो गलतियों को आप यहाँ पे टेबल 9A में अमेंड कर सकते हो। और कई सारे टेबल हैं वो अमेंडमेंट के लिए। जैसे 9A की बात करें तो B2B सप्लाई का कोई डिटेल आपने पिछले महीने में गलत भर दिया है तो वो यहाँ से आप अमेंड कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो फाइनेंशियल ईयर पूछा जाएगा और जो इनवॉइस आप मॉडिफाई करना चाहते हो, मीन समझ लीजिए ये चल रहा है मई और अप्रैल के महीने में आपने GSTR1 फाइल किया था, उसके एक इनवॉइस के एंट्री में आपने गलती कर दी थी तो वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे डालना है और अमेंड इनवॉइस सिंपली क्लिक करना है तो उसके अंदर जो भी अमेंडमेंट करना है वो आप कर पाओगे। वैसे ही B2C लार्ज के लिए भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो, एक्सपोर्ट इनवॉइसिस में भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो, क्रेडिट नोट डेबिट नोट में भी आप अमेंडमेंट कर सकते हो। ओके, और रजिस्टर अनरजिस्टर पर्सन के लिए क्रेडिट नोट डेबिट नोट में आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। चलिए, बात करें टेबल 7 की तो वो होता है B2C अदर्स, मीन्स अगर अनरजिस्टर पर्सन को सप्लाई किया है तो आप बोलोगे वो तो हमने ऑलरेडी डिटेल हमने बता दिया अनरजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन वो B2C लार्ज था। लार्ज मीन्स 2.5 लाख से ज्यादा इनवॉइस वैल्यू और इंटरस्टेट सप्लाई हुआ था। यहाँ पे अगर इंटरस्टेट सप्लाई होता है और 2.5 लाख से कम की वैल्यू है इनवॉइस वैल्यू और साथ ही साथ इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ है, मीन्स आपके स्टेट में आपने सप्लाई किया है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे B2C में प्रोवाइड करनी है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई आपको चूज करना है कौन से स्टेट में आपने सप्लाई किया है, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है वो डालनी है, सप्लाई टाइप क्या है वो अपने आप डिसाइड कर लेगा कि ये इंटरस्टेट है या इंट्रा स्टेट है। ओके, और उसके हिसाब से नीचे रेट चूज करना है और रेट के अकॉर्डिंग जो भी CGST SGST आपका बनता है वो आपको प्रोवाइड करना है, ऊपर टैक्सेबल वैल्यू भी आप डालोगे। ओके, तो वन बाय वन सारी डिटेल आपको यहाँ पे फीड करनी है, देन सिंपली सेव करना है। तो B2C का डेटा भी आप ऐसे भर लोगे। देन नील रेटेड सप्लाई होंगे, एग्जेम्प्टेड सप्लाई होंगे, नॉन GST सप्लाई होंगे, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि नील रेटेड क्या है, एग्जेम्प्टेड क्या है, वो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, एग्जेम्प्टेड की अगर बात करें तो एग्जेम्प्टेड सेक्शन 2 सब क्लोज 47 ऑफ CGST एक्ट में मेंशन किया है कि एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज किसे बोले जाए, तो वो एग्जेम्प्टेड होंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है। अब नील रेटेड जो गुड्स या सर्विसेज है वो कौन सी रहेगी, तो उसके ऊपर 0% टैक्स चार्ज की, 0%। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि नील और एग्जेम्प्टेड में डिफरेंट क्या है।
देखिए एग्जेम्प्टेड जिसको डिफाइन किया गया है, जो भी गुड्स को या सर्विस को एग्जेम्प्टेड डिफाइन किया गया है उसपे ऊपर जब जीएसटी कभी भी कोई चेंज करेगी और उसके टैक्स रेट में कोई चेंजेस होता है तो वो जीरो तो नहीं होगा, ओके, जीरो के अलावा कोई भी टैक्स रेट उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा तो उसको एग्जेम्प्टेड बोला गया है, क्योंकि कभी भी उसके अंदर टैक्स रेट चेंज हो सकता है। लेकिन नील जिसे मेंशन किया है, मैं 0% जिसे मेंशन किया उसके ऊपर जीरो ही रहने वाला है। नॉन जीएसटी की बात करें तो वो जीएसटी के परव्यू में ही नहीं है, जो जीएसटी के परव्यू में ही नहीं, जिसको जीएसटी में लाया ही नहीं गया, जैसे हम बोले पेट्रोलियम प्रोडक्ट है 5 तरह की तो उसके अंदर जीएसटी नहीं लगेगा, क्रूड ऑयल है, हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्पीड है जिसे हम पेट्रोल बोलते हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, नेचुरल गैस है, तो इन 5ों के ऊपर जीएसटी नहीं लगने वाला, जो जीएसटी के बाहर रखे गए इसलिए उसको नॉन जीएसटी कंसिडर किया है। तो अगर आपने ऐसे कोई नॉन जीएसटी गुड्स या सर्विसेज भी सप्लाई किए होंगे तो उसकी डिटेल आपको ये वाला जो टेबल 8 है उसमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे सिंपली बताया, अगर इंटरा स्टेट सप्लाई रजिस्टर को किया है या फिर इंटर स्टेट सप्लाई रजिस्टर को किया है या इंटरा स्टेट सप्लाई अनरजिस्टर या रजिस्टर को किया है तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। कितना नील रेट सप्लाई किया है, नील रेटेड प्रोडक्ट कितनी सप्लाई की है, एग्जेम्प्टेड जो फॉल करते हैं उसकी क्या वैल्यू रही, और नॉन जीएसटी जो सप्लाई है वो आपने कितनी वैल्यू में किया, तो वैल्यू यहाँ पे डालने है और डेटा को सिंपली सेव करना है। तो ये जो टेबल 8 है वो भी आपका पूरा हो जाएगा। देन टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव के केस में, मीन्स सपोज समझ लीजिए कि आप सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर आप गुड्स सप्लाई करते हो, तो वो वाले केस में आप कई बार क्या करते हो, एडवांस रिसीव करते हो, मीन्स 1 लाख की पेमेंट बनती है लेकिन आप 50,000 पहले रिसीव कर लेते हो, देन आप बिल वगैरह जनरेट करते हो। तो ये जो 50,000 एडवांस मिल गया जो एक्चुअली पिछले महीने का है, तो वो एडवांस जो रिसीव होती है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। चलिए सिंपली आपको एड स्टेट वाइज डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, जो भी एप्लीकेबल स्टेट है वो चूज करना है। फिर जिसी भी रेट पे आपने एडवांस रिसीव किया है, मीन्स जो भी गुड्स है या सर्विस है उसके ऊपर जो भी मीन्स आपने एडवांस रिसीव किया है और उसके ऊपर जो भी रेट बनता है वो रेट के हिसाब से आपको यहाँ पे बताना है कि ग्रॉस एडवांस कितना रिसीव हुआ और उसके ऊपर सीजीएसटी कितना है और एससीएसटी कितना है और कई केस में आईजीएसटी कितना है, तो वो आपको बताना है और सिंपली डेटा को सेव करना है। चलिए अब आएंगे हम एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। चलिए समझ लीजिए पिछले महीने में आपने GSTR 1 फाइल किया था और एडवांस रिसीव की थी, अब ये महीने में आपने बिल जनरेट किया है तो वो जो एडवांस रिसीव की थी उसकी एडजस्टमेंट भी आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी ये महीने में। तो एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस में उसकी जो डिटेल है वो आपको प्रोवाइड करनी है, सिंपली जैसे आपने एडवांस रिसीव की थी वैसे ही उसकी डिटेल आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट में भी प्रोवाइड करनी है। तो डिपार्टमेंट के पास ये डेटा चला जाएगा कि ये एडवांस आपने पहले ही रिसीव कर ली है और ये महीने में सिर्फ उसका एडजस्टमेंट करना है। चलिए तो वो डिटेल आपको टेबल 11 में भरनी है। HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, चलिए इसमें आपको टेबल 12 में आपको HSN वाइज डिटेल देनी पड़ेगी। मीन्स हो सकता है कि कई तरह के गुड्स आप सप्लाई करते हो तो हर एक के लिए HSN नंबर डिफाइन किया गया है। HSN को बोलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर। तो हर एक प्रोडक्ट को एक नंबर दिया गया है और वो नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, देन उसका डिस्क्रिप्शन जो भी है वो अगर बनता है तो बताना है, देन कुछ और डिटेल है वो आपको बतानी है HSN से रिगार्डिंग। मीन्स समझ लीजिए कि एक प्रोडक्ट है जिसका HSN है 9000, तो 9000 में जितनी भी प्रोडक्ट आपने सप्लाई की है ये महीने में तो उसकी टोटल जो वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जो रेट एप्लीकेबल है वो चूज करना पड़ेगा, क्या IGST बनता है, क्या CGST बनता है, क्या SGST बनता है और CS बनता है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो वैसे आप टेबल 12 भरोगे। देन डॉक्यूमेंट इश्यूड टेबल 13, डॉक्यूमेंट इश्यूड में हो सकता है आपने कोई इनवॉइस रेज किया है या फिर आपने रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है तो वो वाले केस में इनवॉइस अगर रेज किया है, रिवाइज किया है कोई इनवॉइस को, कोई रिसिप्ट वाउचर आपने रेज किया है, क्रेडिट नोट है या डेबिट नोट है, पेमेंट वाउचर है आपके पास या डिलीवरी चलन है फॉर जॉब वर्क के लिए, रिफंड वाउचर है, तो वो उसके लिए जितने भी आपने मीन्स डॉक्यूमेंट आपने बनाए होंगे तो वो डॉक्यूमेंट की डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ओके
तो वो जो भी मीन्स समझ लीजिए, ये महीने में आपने 12 बिल बनाए हैं और वो आउटवर्ड सप्लाई के लिए है, तो वो 12 आपको सिंपली बताने हैं कि मेरा 1 से 12 मैंने इनवॉइस ये महीने में इश्यू किए हैं बस, और कुछ भी डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करनी है। अब जहाँ तक बात है एडवांस रिसीव की, तो आपने पिछले महीने एडवांस रिसीव कर लिया था, उसकी डिटेल दी थी, लेकिन वो एडवांस रिसीव ज़्यादा हुए थे आपने कम बताए थे, या फिर कम हुए थे और आपने ज़्यादा, तो उस केस में अगर कुछ मॉडिफिकेशन बनता है तो आप यहाँ पे उसको अमेंड कर पाओगे। वैसे ही एडजस्टमेंट भी आपने पिछले महीने किया था लेकिन एडजस्टमेंट में गलती हो गई, तो यहाँ से आप इम्प्रूव कर पाओगे। देन B2C आपने मीन्स अनरजिस्टर्ड पर्सन को 2,50,000 से कम वैल्यू इन केस ऑफ इंटर स्टेट, और इंट्रा स्टेट के लिए कोई वैल्यू नहीं, तो B2C में अगर कोई चेंजेस बनता है तो वो भी आप यहाँ पे कर पाओगे। ये पूरे डेटा को आपको सिंपली एक बार फिर से देख लेना है, कहीं पे कोई चेंजेस करना है तो कर लेना है। देन जनरेट समरी जैसे करोगे तो हो सकता है कि कुछ डिटेल यहाँ पे ऊपर रिफ्लेक्ट ना करती हो, 0-0 ही रिफ्लेक्ट करती हो, लेकिन जैसे जनरेट GSTR 1 समरी पे क्लिक करोगे तो वो डेटा अपने आप अपडेट हो जाएगा, और अब सीधे ही यहाँ पे ये 0-0 वगैरह दिखा रहा है वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन वैल्यू दिखाई देगी जो आपने फीड की होगी। प्रीव्यू वगैरह देखना है, ये जो भी डिटेल फीड की है तो उसका प्रीव्यू भी आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, तो वो प्रीव्यू भी आप डाउनलोड करके पहले एक बार टैली कर ले के डेटा अच्छे से फीड हुआ है या नहीं हुआ है। देन ये एक्नोलेजमेंट वाला जो ऑप्शन है उसको चेकबॉक्स को टिक करना है और सबमिट रिटर्न करना है। जैसे आप रिटर्न को सबमिट करोगे तो आपको बोला जाएगा रिटर्न सबमिट हो चुका है, अब आप जो दूसरे वाला जो ऑप्शन है फाइल रिटर्न, उसके बाद जो अभी एनेबल नहीं है, लेकिन ये डेटा मैंने ऑलरेडी फीड कर लिया है, ये रिटर्न फाइल कर लिया है, इसलिए ये डिटेल नहीं ये चीजें नहीं दिखाई दे रही। अदरवाइज यहाँ पे फाइल रिटर्न वाला जो ऑप्शन है वो सबमिट की तरह ही एनेबल हो जाएगा। इसके ऊपर सिंपली आप क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन पूछे जाएंगे कि आपको EVC जनरेट करना है, क्या वो आपने जो नंबर रजिस्ट्रेशन के वक्त प्रोवाइड किया है उसके ऊपर मीन्स इसका EVC जाएगा, या फिर ईमेल पे जाएगा, या फिर आप डिजिटल सिग्नेचर से आप इसको वेरीफाई करना चाहोगे, तो कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। जैसे आप EVC अपने नंबर पे जनरेट करना चाहते हो तो वो वाला ऑप्शन चूज करना है, और सिंपली क्लिक करोगे तो आपका जो जो भी OTP है या EVC है वो आपके मोबाइल नंबर पे चला जाएगा, आपके ईमेल पे चला जाएगा, वो सिंपली आपको प्रोवाइड करना है, और वो उसके अंदर जैसे डालोगे तो आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा, और ऐसे आपका GSTR 1 आप फाइल कर पाओगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फाइनेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूं रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।